सॉरी मैडम। आके है यहाँ बटन, इडियट। ए! इतना लेट क्यों हो गया बे? चारों तरफ पुलिस खड़ी हुई है। ठीक है फोन दे। इस फोन में कॉल कैसे आ गया बे? मर गए। रास्ते में एक लड़की से टकराया था, फोन एक्सचेंज हो गया। ये सब मजाक लग रहा है। स्टेज पे ब्लास्ट करने वाला नंबर उस फोन में है। फोन के बिना धमाका कैसे होगा? स्पीच खत्म होने से पहले फोन वापस ला। अरे ये देखो वही लड़की। ए मेरा फोन दे, मेरा फोन। ए तेरी तो। ए पुलिस आ रही है। सुन यहाँ क्या कर रहा है? सर हम केटरिंग सर्विस वाले हैं। केटरिंग हो या कोई भी हो, यहाँ नहीं रुक सकता। चल निकल। समझ गया सर। जल्दी से गाड़ी में बैठ और निकल। हाँ जा रहा हूँ। क्या हुआ? कहाँ गई वो? मुझे मार के निकल गई वो। कहाँ गई? तू उस तरफ जा, मैं वहाँ जाता हूँ। मैडम क्या हुआ आपको? क्या कह रही हैं आप? अरे वाह! अब मैं आदरणीय गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आकर दो शब्द कहें। सबको मेरा नमस्कार। माननीय श्री के अरे कहां गई वो? पता नहीं यार। हाँ बताइए दीदी। कहाँ हो तुम? पापा पूछ रहे हैं, जल्दी आ जाओ। मीरा वहां पहुंच गई क्या? हेलो हेलो मैडम, हमारा फोन उसी के पास है, उसे जाने मत देना। सरकार में सब प्रांत को एक समानता दी जाएगी। सदियों से चल रही पानी की समस्या को दूर करने का भी हम प्रयास करेंगे और यहाँ नई मेडिकल कॉलेज खुलवाने का भी एक प्लान बिल्कुल तैयार है। दीपक। हेलो श्रवण सुन। हेलो कहाँ हो तुम? मेरी छोड़, तू वहाँ से निकल जल्दी। कम ऑन। तुम्हारे बारे में यहाँ लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। समझो श्रवण, तुम्हारी जान खतरे में। क्या बक रहे हो तुम? आतंकवादियों को तुम्हारे पास टाइम नहीं है। निकल निकल वहां से।
गुप्ता जी, गुप्ता जी। भैया सुभाष, हेलो हेलो, हाँ हाँ ये कंफर्म्ड है, मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है, ही डाइड ऑन द स्पॉट। नहीं नहीं, नाइट्रोमेड यूज किया था, एसी में फिट किए थे और रिमोट से ब्लास्ट किया। हाँ ओके, आई विल डू इट। पूरे देश में अफरा तफरी मची हुई है, हाई कमान से ऑर्डर आया है बॉडी को दिल्ली ले जाया जाए। लेकिन सर उनकी डेथ हमारे स्टेटमेंट में। सर दामोदर सुनिए, एयरपोर्ट जाके प्राइवेट जेट का अरेंजमेंट। मेरी एक बात तो सुनिए सर, प्लीज टेक हिम आउट, ये हमारे राज्य का अपमान है। आइए सर, प्लीज सर बाहर आ जाइए। इसमें हमारी क्या गलती है? प्लीज यहाँ से निकल जाइए सर, क्या हुआ? हालात ठीक नहीं है, आपकी हिफाजत जरूरी है, जल्दी यहाँ से निकल जाइए। ठीक, ये हो क्या रहा? सुभाष हालात बहुत पेचीदा है, आपकी रक्षा मेरी ड्यूटी है, प्लीज जिद मत कीजिए, निकलिए यहाँ से। उनकी जिंदगी से बढ़कर मेरी सेफ्टी है क्या? मेरी पार्टी के वर्कर्स ठीक है कि नहीं? बॉम्ब ब्लास्ट में 10 लोगों की मौत हुई है सर, इसके अलावा 15 लोग भगदड़ में भी मारे गए हैं। उनकी बॉडी कहाँ रखी गई? इसी हॉस्पिटल के दूसरे ब्लॉक में, हम हैंडल कर लेंगे सर। अरे छोड़ो, भाभी सुभाष मेरा घर नहीं पहुँची, फोन भी नहीं लग रहा उसका, वो तुम्हारे साथ है ना? नहीं वो मेरे साथ नहीं है, शायद वो कहीं फंस गई होगी, मैं यही वेट करती हूँ। मरने वालों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई, ऑफिसर्स लगे हैं सर। मैं क्या कह रहा हूँ सर, रुकिए। हो गया, हमें इसकी बॉडी स्टेज के पीछे मिली, फोन लेने पार्किंग लॉट में गई थी पर भगदड़ में कुछ लिखी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से चोकिंग और दम घुटने से मौत हुई। समझ में नहीं आ रहा सर, हमने अपने पुलिस के 2 यूनिट्स और मंगवा लिए, और तब तक ऐसा कीजिए आप लोग अपनी फैमिलीज के साथ यहीं रुकिए। वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ ये सब हो क्या रहा है? आपको डायरेक्ट बोलने के लिए सब हिचकिचा रहे हैं, आप खुद ही देख लीजिए। हमें सूचना मिली है कि बॉम्ब ब्लास्ट में इंद्र गुप्ता जी की मौत हो गई है और इसकी वजह से पूरे शहर में अफरा तफरी मची है। इस ब्लास्ट के पीछे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। आशंका नहीं, ये सच्चाई है। दीपक मेहता और डेप्यूटी सीएम गहरे दोस्त हैं। इस बॉम्ब अटैक के लिए उन्होंने दीपक को 4,000 करोड़ का लोन भी दिलवाया। अगर दीपक देश छोड़ के नहीं भाग गए होते तो विपक्ष की करतूत बताकर केस बंद कर चुके होते। पर किसी नेता को मारने से डेप्यूटी सीएम को क्या फायदा होगा? एक नेशनल नेता को मारने से यहाँ की पार्टी को सिंपैथी वोट मिलते हैं। सीएम अपने बेटे के नेतृत्व में लड़े जाने वाले पहले इलेक्शन में कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते थे। पता है आपको, ब्लास्ट होने के ठीक पहले श्रवण जी को एक कॉल आया था, वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि दीपक मेहता का था। ये इन्फॉर्मेशन एकदम पक्की है।
सीबीआई से जांच करवानी चाहिए। मेरे पास अपने बेकसूर होने के सारे सबूत हैं। और तू वहां से निकल जल्दी, कम ऑन। तुम्हारे बारे में यहां लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। समझो श्रवण, तुम्हारी जान खतरे में। संतराम, आज शाम तक घर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या कह रहे हो? घर की लक्ष्मी की अर्थी अभी तक उठी नहीं है, ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रख रहे हो? राख हो जाने के बाद आग बुझाना व्यर्थ है। जी सर, सीएम के घर पर हूं, मीटिंग शुरू नहीं हुई। सुभाष, प्रेस मीटिंग का ऐलान करने के बाद भैया अपने कमरे में चले गए। सारे प्रेस वाले आ गए। हम लोग कब से दरवाजा खटखटा रहे हैं पर भैया जवाब ही नहीं दे रहे हैं। डर लग रहा है मुझे। क्या हुआ भाभी? दरवाजा नहीं खोल रहे। भैया, भैया, लगाकर आत्महत्या कर ली। सूत्रों के अनुसार गुप्ता जी के मर्डर के पीछे डिप्यूटी सीएम का हाथ था। ये कैसी साजिश है इसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। के आसपास भीड़ बढ़ती ही जा रही है, पुलिस भी इनको शांत करने में। इस घटना के बाद स्टेट में एमएस के पार्टी के सभी दफ्तर बंद हो रहे। बड़ा बेटा बाप को गंदा देता है, पर आज ये बाप अपने बेटे को गंदा देगा। सुभाष, भीड़ को काबू करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, वो कुछ भी करने को तैयार है। आप बॉडी को जल्दी से ले जाइए। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सर, आगे बहुत ज्यादा रिस्की है, आप पीछे वाले गेट से निकल जाइए। भारद्वाज, क्या बक रहा है? फिर से बोल के देख। आपकी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ सर, सिचुएशन क्रिटिकल है, प्लीज मेरी बात समझिए। मेरा बेटा चोर है? वो कोई टेररिस्ट है क्या? ये सड़क पे पड़ा रात है, बताओ क्यों जा रहे हैं पीछे से? समझने की कोशिश कीजिए सर, वो आपको दोषी मान रहे हैं। हजारों लोग हैं सर बाहर, कईयों के हाथ में हथियार भी हैं। हम बेबस हैं, लोग आग बबूला हो रहे हैं सर। तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब मैं दिल्ली फोन लगाता हूँ। ले जा रहे हैं, अभी तो उसका जीवन शुरू होने वाला था।